हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्क्रीन पिनिंग क्या होता है। तो इस फंक्शन के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो पे बने रहिए। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आपको नॉलेज मिल रहा है तो दोस्तों एक लाइक जरूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि स्क्रीन पिनिंग क्या होता है और हम इसका वो कहाँ पे यूज करते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और चलते देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि स्क्रीन पिनिंग क्या होता है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना मोबाइल है उसकी सेटिंग को ओपन करना है, और सेटिंग के ऊपर आपको सर्च करना है स्क्रीन पिनिंग। तो मैं डायरेक्ट पिनिंग सर्च करता हूँ, तो ये ऊपरी ऊपर आप देख रहे हो कि स्क्रीन पिनिंग है वो आ चुका है, जो सिक्योरिटी के अंदर आता है। सिक्योरिटी आपको मैं सिंपल शब्दों में समझाऊँ, आप किसी फ्रेंड को या आप कोई फैमिली रिलेटिव किसी को भी अपना स्मार्टफोन है वो दे रहे हो, तब आप उस समय आपकी कोई भी प्राइवेसी है या फोटोज़ है, वीडियोज़ है या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो आप पब्लिकली नहीं करना चाहते और मोबाइल फ़ोन भी मना नहीं कर सकते, उनको दे देते हो, तो उस समय आप यहाँ पे स्क्रीन पिनिंग का है वो यूज़ कर सकते हो। स्क्रीन पिनिंग का मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको स्क्रीन पिनिंग ऑफ दिखाई दे रहा है, इसको सिंपली क्या कर देना है, ऑन कर देना है। जैसे ही ऑन करते हो तब आपके सामने एक अलर्ट आता है जो आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, उसको आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में आप जिसको भी स्मार्टफोन दे रहे हो, जैसे मान लो कि मैंने अपना एक ब्राउज़र है वो ओपन कर लिया, तो इस ब्राउज़र में सिंपली जो भी डिटेल्स वगैरह है वो आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, सिंपली ये इस वाला साइड वाला बटन है वो क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे पिन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, तो उस पिन को सिंपली पिन कर देना है और यहाँ पे ओके कर देना है। तो जैसे ही आप ओके कर देते हो, अब जिसको भी आपने फोन दे रखा है वो बंदा यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। ये देखिए, मैं कितना भी बैक आता हूँ बैक नहीं हो रहा है, होम बटन पे क्लिक कर रहा हूँ होम भी नहीं हो रहा है, ये कर रहा हूँ ये भी नहीं हो रहा है। अब जो भी करना है वो इस ब्राउज़र के अंदर ही कर सकता है, इस ब्राउज़र से बाहर है वो नहीं आ सकता। ये देखिए, आप कितना भी छेड़खानी कर लो कुछ भी कर लो, लेकिन इस फ़ोन से बाहर अब नहीं आ सकता, इस ब्राउज़र के अंदर ही आना है। लेकिन जब आपको फ़ोन वापस मिल जाए उसके बाद में आपको वापस इससे बाहर आना है, तब आपको क्या करना है, बैक वाला और जो हम लोग एप्लीकेशन वगैरह क्लोज करते हैं वो दोनों बटन साथ में है वो दबाए हुए रखना है, ये वाला और ये वाला, कुछ देर के लिए आपको दबा के प्रेस करना है दोनों एक साथ में। तो जैसे ही प्रेस करोगे तब आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा, फिर आप सिंपली है वो ओपन कर सकते हो। अब आप बैक भी जा सकते हो और फ़ोन में कुछ भी चला सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको स्क्रीन पिनिंग के बारे में समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने मोबाइल में या आप जो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो उसके अंदर स्क्रीन पिनिंग का वो उपयोग कर सकते हो। जब भी आप किसी अदर पर्सन को अपना मोबाइल फ़ोन दो तो आपकी जो भी प्राइवेसी है, सिक्योरिटी है, वो भी आपकी बनी रहती है। और जब आप इसको वापस अनलॉक करते हो तो भी मैंने आपको वीडियो के अंदर बता दिया है कि आप इसको है वो कैसे अनलॉक कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।